नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल नियम टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर एक, सर्वप्रथम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, घड़ी का आविष्कार पीटर हेलिन द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। घड़ी का आविष्कार विश्व के सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। वैसे तो स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच बाजार में आने से हाथ घड़ियों का इतना शौक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। घड़ी का उपयोग लोग सही समय को पता करने के लिए करते हैं, जिसका आविष्कार 1505 में हुआ था। पीटर हेलेन के द्वारा क्लॉक वॉच के आविष्कार के बाद 1577 में स्विट्जरलैंड के चार्ल्स बर्गी ने मिनट की सुई वाली घड़ी का आविष्कार किया। दोस्तों, वही बात करें पेन की, तो पेन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हर कोई करते आ रहा है। पेन का आविष्कार कब हुआ? अगर इस सवाल का कोई सटीक जवाब मांगा जाए तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आधुनिक पेन यानी कि फाउंटेन पेन और बॉल पेन के आविष्कार से पहले भी लोग लेखन का कार्य करते थे। दोस्तों, अगर हम आधुनिक पेन की बात करें तो जॉन जैकब लाउड ने 1988 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन के आविष्कार के लिए फ्रेंच इन्वेंटर को पेटेंट प्राप्त हुआ। उन्होंने 25 मई 1857 को फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। पंखे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, आज के समय पंखे का नाम तो हर किसी की जुबान पर रहता है, साथ में पंखे का उपयोग लगभग बहुत सी जगह पर होने लगा है, जिसका उपयोग लोग हवा के लिए, किसी डिवाइस को ठंडा करने के लिए या फिर किसी भी कमरे या रूम के अंदर से गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए करते हैं, जिसकी खोज स्कॉट व्हीलर द्वारा 1882 में की गई थी। शुरू में पंखे पीतल के बनाए गए थे। 21वीं सदी में सबसे अधिक घरेलू पंखे प्लास्टिक से बनाए जाने लगे। दोस्तों, बात करें चुंबक की तो इस विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक पुरानी यूनानी ग्रीक कहानी के अनुसार चुंबकत्व की खोज ग्रीस के मैग्नीसिया में रहने वाले मैग्नेस नामक एक चरवाहे ने की। आज से लगभग 4000 साल पहले यह चरवाहा पहाड़ों में अपनी भेड़े चरा रहा था। वहीं अचानक मैग्नीस की छड़ी और उसके सेंटरों में लगे लोहे से काले रंग के पत्थरों में चिपक गई। इस घटना के बाद से उस चुंबकीय पत्थर को मैग्नीस चरवाहे के नाम पर मैग्नेटाइट के नाम से जाना गया। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैग्नेट का नाम मैग्नीशिया ग्रीस के नाम पर पड़ा है, जहाँ पर यह पत्थर पहली बार पाया गया था। मैग्नीस के द्वारा पाए गए चुंबकीय पत्थर में मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबकीय तत्व है, जिसमें Fe3O4 पाया जाता है। फ्रिज की खोज कौन किया था? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी चीजों को ठंडा करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो फ्रिज है उसका इस्तेमाल हम खाने को या किसी अन्य चीजों को ठंडा करने के लिए करते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आविष्कार विलियम कूलेन ने किया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में सन 1805 में ओलिवर इवंस ने एक अमेरिकी आविष्कार ने क्लोज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था, जिससे बर्फ बनाई जा सकती थी। दोस्तों, इसके साथ यह टॉपिक खत्म होती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।